नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए, जो कि मिलता है आपको इंफोसिस कंपनी में। जैसे कि दोस्तों, आप सभी के पास मेल आ चुका है और आप सभी का टेस्ट है दोस्तों 22nd of August, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा। तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, 22nd of August को आप सभी का पेपर है। तो अब कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या पूछा जाता है, तो मैं पहले ही बता दूं, ऑनलाइन राउंड होगा, इसमें टेक्निकल इंटरव्यू होगा और एचआर इंटरव्यू भी हो सकता है। एचआर इंटरव्यू जरूरी नहीं है यार हर बार हो, क्योंकि बहुत कंपनीज ऐसी होती हैं एंड बहुत बार इंफोसिस में भी देखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्निकल इंटरव्यू हो, एचआर इंटरव्यू नहीं होता है। एंड कभी कभी यार टेक्निकल इंटरव्यू में ही एचआर इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में यार सबसे पहले हम इंफोसिस का ऑनलाइन टेस्ट पैटर्न देखने वाले हैं। इसमें दोस्तों आपको टॉपिक मिलेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड मैं आपको टाइम भी बताने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट रिसोर्सेज बताऊंगा कि कैसे आप अपने ऑनलाइन टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, पहला है आपका मैथमेटिकल एबिलिटी, जहां दोस्तों आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ दोस्तों 35 मिनट्स आप सभी को देखने को 35 मिनट्स दोस्तों आप सभी को मिल रहे हैं। बाकी दोस्तों, नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि दोस्तों ये आपको 4 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और दोस्तों टाइम की बात करता हूं तो दोस्तों आपको 10 मिनट्स मिल रहा है। और पहली बता दूं यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे टॉपिक को थोड़ा इम्पॉर्टेंट लीजिएगा, लाइक इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इस पर मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी पोस्ट कर दो अपने चैनल पर, काफी इजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग, इसमें यार थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं ऐसे जो आप सभी को करना बहुत जरूरी है। एंड मेरे पास ऑलरेडी डीएम्स आ चुके हैं, मेल आ चुके हैं कि सर हमें बता दीजिए कि कहां से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से कोर्सेज तो नहीं है, ऐसे कोर्सेज तो नहीं है जो हमें ऑनलाइन बाय करने हो। तो पहली बता दूं यार, कोई भी कोर्स आपको ऑनलाइन बाय नहीं करना, कोई भी फी नहीं देनी, मैं आपको सारी फ्री रिसोर्सेज बताने वाला हूं। तो मैंने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी, पजल सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, राइट। फिर आता है दोस्तों वर्बल एबिलिटी जैसा टॉपिक, जो कि यार आप लोगों को टिपिकल लगता है, बट मैं फाइनली मैंने रिसोर्स ढूंढ ली है जहां से आप वर्बल की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। यहां दोस्तों आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं 20 और इन क्वेश्चंस की भी टेंशन नहीं लेनी है, ज्यादा टिपिकल नहीं होंगे। और साथ ही साथ आपको 25 मिनट्स मिलने वाले हैं, मीन्स ईच क्वेश्चन यू हैव टू गिव 1 मिनट, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं तो सूडो कोड। अब सूडो कोड यार जिन लोगों को नॉर्मल प्रोग्रामिंग भी आती है ना, मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल प्रोग्रामिंग, वो ये बड़े प्यार से कर लेंगे। नॉर्मल प्रोग्रामिंग जिन जिन को आती है प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि उनके लिए सूडो कोड राउंड काफी इजी होने वाला है। सूडो कोड में टेंशन मत लीजिएगा, डेटा स्ट्रक्चर्स भी होता है, बट डेटा स्ट्रक्चर पे इतना नहीं होता, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसा कि सपोज कीजिए आपको एक फॉर लूप दे दिया है और उसमें से ये पूछ लेंगे कि यहाँ क्या, सपोज करो फॉर लूप में 3 चीजें होती है, यहाँ यहाँ यहाँ, राइट। उन लोगों ने यहाँ आई इक्वल टू 0 लिख दिया, यहाँ जो ये वाली स्पेस में कुछ नहीं लिखा और यहाँ इंक्रीमेंट, यहाँ उन लोगों ने इंक्रीमेंट कर दिया। आपको बस क्या करना होता है, कुछ क्वेश्चंस में आपको ये वाली स्पेस को फिल करना होता है। सूडो कोड ऐसे होते हैं, और भी चीजें बताऊंगा। कभी कभी आपको प्राइम नंबर का कोड दे दिया और उसमें कुछ चीजें मिसिंग है, वो आपको फुलफिल करनी होती है, ऐसे कोड होते हैं। कभी कभी इफ लूप दिए होते हैं, फॉर लूप, आपको इन इफ और फॉर लूप पर वर्क करना आना चाहिए बहुत अच्छे से। तो बाकी टोटल की बात करता हूं तो दोस्तों यहां आपको 54 क्वेश्चंस मिल रहे हैं और 100 मिनट्स दैट इज 1 hour and 40 मिनट्स आप सभी को मिलने वाला है। दोस्तों मैथमेटिकल एबिलिटी के मेन टॉपिक्स को अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मेन टॉपिक्स है जो मैथमेटिकल एबिलिटी में पूछे जाते हैं। पहला है दोस्तों परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मैं इसको बेसिक टॉपिक भी बोलूंगा अगर आप बाकी टॉपिक्स की तैयारी करोगे। काइंड ऑफ ये एक बेस है, जैसे सपोज करो आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, राइट, तो उसका बेस हो जाता है परसेंटेज, ठीक है, उसका बेस हो गया है परसेंटेज। अगर परसेंटेज नहीं आएगा तो बिल्डिंग बनाने के बाद जो प्रॉफिट आप कमाओगे वो नहीं कमा पाओगे, समझ रहे हो मेरा मतलब। परसेंटेज करने के बाद ही आप प्रॉफिट एंड लॉस सीख पाओगे, मेरा मतलब ये है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं, पहले बिल्डिंग का बेस बनाओ परसेंटेज से, एवरेज जैसे टॉपिक सीखो, ठीक है,
उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, बड़े बड़े टॉपिक्स टॉपिक सीख रहे हैं और फिर यार पैसा कमाना है हमें, तो पहले बेसिक टॉपिक पर हम ध्यान देंगे, परसेंटेज कैसे तैयारी करनी है, फिर आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। यार अगर पहले ये तीन टॉपिक तैयारी कर लो उसके बाद जाइएगा प्रॉफिट एंड लॉस पे, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस पे जब लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों आप सभी के साथ। फिर आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर्स, टाइम एंड वर्क, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर मैं लास्ट टॉपिक की बात करता हूं ना ये वाले की, इसमें भी बड़ा अजीब खेल है यार। PNC जब तक अच्छे से नहीं कर सकते जब तक आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकता, एक दूसरे के भाई बहन है, तो प्रोबेबिलिटी पहले अच्छे से कीजिएगा, उसी के बाद यार आप परमिटेशन इन कॉम्बिनेशन पे आगे जंप कीजिएगा। मैं आपको रिसोर्सेज बता देता हूँ कहाँ से आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यार हमने हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वो बना रखा है पूरा का पूरा रोड मैप, तो यहां क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना। अगर मैं आपको सिंपली पहला टॉपिक बताता हूं परसेंटेज, अगर किसी बच्चे को परसेंटेज के क्वेश्चंस बेसिक सॉल्व करने भी नहीं आते तो पहले जो ऊपर वाले लिंक है ना उस पर क्लिक कर लीजिएगा, यहां आपको YouTube की फ्री बेस्ट रिसोर्स मिल जाएगी जहां से आप परसेंटेज जैसा टॉपिक समझ सकते हो। उसके बाद यार आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे तो नीचे वाला लिंक लिंक पर आप क्लिक कर दीजिएगा और आप इंडिया बिग साइट पर हो जाओगे डायरेक्ट। तो यहां आपको पहले फॉर्मुलेज मिल जाएंगे, फिर आप जनरल क्वेश्चंस पर क्लिक कर नॉर्मल क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसी दोस्तों आपको काफी टॉपिक्स मिल रहे हैं और सारे के सारे टॉपिक्स कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है। सपोज करो आपको परसेंटेज आता है, एवरेज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, SICI आता है, तो बाकी के टॉपिक्स अगर एलिगेशंस और मिक्सचर्स नहीं आता वो कर लीजिए, प्रॉब्लम्स ऑन HCF, LCM, ये सारे टॉपिक्स यार आपको कवर करने पड़ेंगे। फिर अगर मैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं तो लॉजिकल एबिलिटी मेन टॉपिक, और अगर मैं बात करता हूं या लॉजिकल एबिलिटी तो ये इंफोसिस के पर्पस से काफी मेन टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी वजह से आपका पूरा पेपर बिगड़ सकता है। हाँ दोस्तों, तो पहला है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, काफी इजी क्वेश्चन है, जैसा कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का आप सभी को। जैसा ए दे रखा है, फिर सपोज कीजिए दोस्तों आपसे पूछा है यहां क्या आएगा, तो सिंपली है यहां तो आप लिख दोगे बी। तो अगर मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आप सभी को ए, ठीक है, सी, ठीक है, यहां क्या आएगा, तो आपको आइडिया लगाना है। देखो जैसे ए और सी के बीच में बी का गैप है, सी और ई के बीच में डी का गैप है, ई और ई एफ जी, राइट, तो ई के बीच में एफ, तो जी, जी के बीच में एच, तो आई, तो यहां जी आएगा। ऐसा कर आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है, ऐसी न्यूमेरिक सीरीज भी होती है जो नंबर्स पर डिपेंड करती है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों ब्लड रिलेशंस, आपको रिलेशंस बनाने होते हैं, काफी इजी टॉपिक, इसकी भी मैं आपको रिसोर्स बता दूंगा। क्लॉक्स के क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग मिलेगी, डायरेक्शन मिलेंगे, मिरर एंड वाटर इमेजेस, ये काफी इजी टॉपिक्स है। फिर आ गया दोस्तों क्रिप्टोमैथिक टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बच्चों को समझ नहीं आता कि ये टॉपिक कहां से किया जाए, कैसे किया जाए, तो आपको आपको मैं इसकी भी रिसोर्स बताने वाला हूं। पजल्स, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड, सिलोगिज्म, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो पहले यार आप मेरे पूरे के पूरे रोड मैप पे डायरेक्ट हो जाइए, उसमें स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, आपको सारे टॉपिक्स की मिलने वाली है रिसोर्सेस, बट आपको यहाँ एक टॉपिक की रिसोर्स नहीं मिलेगी। तो आप जाइएगा यहां, आपको मैं दिखा देता हूं दोस्तों क्रिप्टोमैथिक टॉपिक, जस्ट वेट, हाँ जस्ट वेट यार, जस्ट, तो हाँ, तो दोस्तों यहां आपको आ गई है, तो यहां आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर एक टॉपिक डालना है, सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और इन दोनों वीडियो के बाद मैं बोलता हूं तीसरी चौथी कोई वीडियो मत देखिए, अपने आपको ज्यादा कंफ्यूजन में मत क्रिएट कीजिएगा, कंफ्यूजन में मत डालिएगा। इन दोनों वीडियो के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक है क्या और आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं। मेन मैं सजेस्ट करूंगा प्रेप इंस्टा की जो सेकंड वाली वीडियो है जो आ रही है आपकी स्क्रीन के सामने, आप सभी को देख रही होगी, तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको आइडिया जाएगा और इससे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं जाएगा। और प्रेप इंस्टा पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस इन लोगों ने दे भी रखे हैं, तो वो क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी मैंने अब आपको बता ही दिया कि बाकी टॉपिक्स आपको मेरे रोड मैप पर मिल जाएंगे, और ये वाला जो टॉपिक है उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रिसोर्सेज की बात करता हूं तो दोस्तों टैग एंड टारगेट का रोड मैप आप फॉलो कर सकते हो जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। साथ ही साथ यहां दोस्तों आपको मिलने क्या वाला है, जस्ट वेट,
इंडिया पिक्स के लिंक्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ यूट्यूब बेस्ट वीडियोस मिल रही हैं। और दोस्तों पहली बता दूं, ये सारी की सारी फ्री है, क्योंकि यार मैं बिलीव करता हूं आप कोई भी कोर्स के लिए कुछ पे फी पे ना कीजिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं यार, वो 2000 मांग रहे हैं कोई कोर्स के लिए, कोई कोई 4999 मांग रहा है, कोई 299 मांग रहा है, आई डोंट नो क्यों मांग रहे हैं, जब ऑलरेडी सारी रिसोर्सेज फ्री में आप सभी को मिल रही है। रेफर इंडिया पिक्स एट एग्जाम वेदा साइट, ये भी आप रेफर कर लीजिएगा। इफ यू स्टिल वॉन्ट टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन, देन कॉल लास्ट प्रिपरेशन प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस रेफर टू गीक्स फॉर गीक साइट। यार मैं गीक्स फॉर गीक साइट इसलिए रेफर करता हूँ, यहाँ जो क्वेश्चन होते हैं इनका थोड़ा लेवल अच्छा होता है, और आपको मतलब हर कोई स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाता, और काफी क्वेश्चन बहुत एक्यूरेट होते हैं, टिपिकल भी आप कह सकते हो इनको। फिर अब वर्बल एबिलिटी के मेन टॉपिक्स की बात करता हूं, तो सेंटेंस करेक्शन आप सभी को मिलने वाला है, एक्टिव पैसिव वॉइस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जंबल सेंटेंसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिलिंग द ब्लैंक स्पेसेस एंड स्पॉटिंग एरर्स। तो दोस्तों ये सभी टॉपिक्स आपको करने हैं, और सारे के सारे जरूरी हैं। अगर मैं मेन टॉपिक की बात करता हूं, हर एग्जाम में जो पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें यार कम से कम 5 से 6 एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे 5 से 6 क्वेश्चन डिपेंड होते हैं। फिर आपका फिलिंग द ब्लैंक स्पेसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, यहाँ आपका स्पॉटिंग एरर्स। तो अब ये कैसे प्रिपेयर करने हैं, इसके लिए भी हम एक बेस्ट साइट लिया है, freshlife.com। तो यहाँ दोस्तों आपके इंग्लिश टेस्ट होंगे, और यहाँ आपको सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में यार होता क्या, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे। सपोज करो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना है, कि मैं अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कैसे स्कोर अच्छा कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आपको टोटल 1 to 52 क्वेश्चन मिल रहे हैं, इस पर नॉर्मली क्लिक कीजिएगा। यहाँ आपको बहुत सारे पैसेजेस मिल जाएंगे, और आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा कर यार आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। बात करते हैं रिसोर्सेज फॉर वर्बल अबिलिटी, मैंने बताई दिया इंडिया पिक्स एट freshlife.com। अब बात करते हैं सूडो कोड की, आप सभी को कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो यहां आपसे दोस्तों सी सी प्लस प्लस एंड डेटा स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब डेटा स्ट्रक्चर वर्ड सुनकर डरना नहीं है, राइट, डरना बिल्कुल भी नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं। इसमें यार बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बहुत लाइक आपको लाइक डेफिनेशंस पूछी जाती है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है इस एरे एंड डेटा स्ट्रक्चर। बताइए यार कमेंट सेक्शन में, क्या एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है या नहीं। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी यार मैं कैप जेमिनी की 2-3 वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि वहां मैंने बता रखे हैं कि सूडो कोड होते क्या है, क्योंकि कैप जेमिनी में भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, बट उससे पहले रह गए दोस्तों आपके पजल्स, राइट। पजल्स की मैं 1-2 दिन में वीडियो डाल दूंगा, 1-2 दिन में क्या कोशिश करूंगा, आज ही रात को या कल सुबह तक आपके लिए पोस्ट हो जाए। तो पजल सॉल्विंग में आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और 10 मिनट्स मिलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है पजल सॉल्विंग और लॉजिकल में। बाकी मैं समझता हूँ आप सभी में स्कोर कर लोगे, इन दो चीजों का ध्यान रखिएगा। मैं इंटरव्यू की बात करते हैं कि कैसे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर योर रिज्यूमे, मेंशन ओनली दोज थिंग्स इन विच यू आर श्योर और कॉन्फिडेंट अबाउट। पहले यार अपने रिज्यूमे को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और वही चीजें मेंशन करिएगा जिन चीजों के बारे में आप बिल्कुल श्योर हो। फिर करते हैं प्रिपेयर एनी प्रोजेक्ट इन द डोमेन यू आर इंटरेस्टेड इन। आप कोई भी अपने डोमेन का एक प्रोजेक्ट कर लीजिएगा जिस पर आप इंटरेस्टेड हो। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा यार, जिसको कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर प्रोजेक्ट आता है, सपोज करिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब ML आता हो, ML बोले तो मशीन लर्निंग, क्लाउड पर किसी ने काम कर रखा हो, IoT पर काम कर रखा हो, इन 3 या बहुत सारी और भी टेक्नोलॉजीज पर, इनसे रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट है, तो यार एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि यार ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, और इंटरव्यूअर इंप्रेस होता ही होता है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। बट कोशिश कीजिएगा जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जरूर यूज हो, CSK कोर सब्जेक्ट्स का यूज जरूर हो। फिर प्रिपेयर कंप्यूटर साइंस कोर सब्जेक्ट्स लाइक ऊप्स, DBMS, SQL क्वेरी, anyone प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो दोस्तों ये सभी आपको प्रिपरेशन करनी है। इसमें दोस्तों जो ऊप्स है आपको ऊप्स की ऊप्स प्रिपेयर करना है, DBMS प्रिपेयर करना है, SQL क्वेरी प्रिपेयर करनी है, anyone प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स C++, पाइथन, आप पाइथन कर सकते हो,
जावा कर सकते हो, इन चारों में से कोई भी एक लैंग्वेज प्रिपेयर कर लीजिएगा एट बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। फिर एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन प्लेलिस्ट लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, अगर एचआर क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिसोर्सेज फॉर सीएस कोर सब्जेक्ट्स, तो ऊप्स का मैं आपको बता ही देता हूं, जावा टी पॉइंट वो भी मैंने लिंक्ड अप कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी अच्छे से जावा टी पॉइंट पे हर एक चीज समझाई गई है। तो फिर आता है आपका डीबीएमएस संचित जैन वीडियोस ऑन यूट्यूब, तो यहां भी दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा संचित जैन वीडियोस का, तो एक बार देख लीजिएगा। बाकी मैं बात करता हूं सीक्वल का, तो यहां भी मैंने एक लिंक दे रखा है सीक्वल का, तो इसको भी जरूर कर लीजिएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर्स, तो ये तीनों चीजें आपकी हो गई है भाई प्रिपेयर, राइट। तो इन तीनों को भी प्रिपेयर कर लीजिए इंटरव्यू के लिए, आप प्रिपेयर हो जाओगे। बात करते हैं प्रोजेक्ट आइडियाज कहां से आए, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स हैं एक भी प्रोजेक्ट नहीं कर रखा, तो वो लोग प्रोजेक्ट कहां से करें। अब देखो यार ये कोविड टाइम चल रहा है तो इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कैसे कर सकते हो, कोविड-19 ट्रैकर एंड्रॉइड ऐप। हाँ दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट एंड्रॉइड में है तो एक ऐप बना लीजिए, काफी ईजी है। मैं आपको रिसोर्स बता देता हूं, आपको सिंपली गीक्स फॉर गीक्स पर जाना है, यहां इन्होंने बता रखा है हाउ टू क्रिएट अ कोविड-19 ट्रैकर एंड्रॉइड ऐप। तो आप एक एंड्रॉइड ऐप बनाना सीख सकते हो जो आपके कोविड-19 के जितने भी केसेस हैं वो आप ट्रैक कर सकते हो। बाकी यार नेक्स्ट आता है 7 पाइथन प्रोजेक्ट आइडियाज फॉर बिगनर्स, तो यहां भी मैंने लिंक दे रखा है, आपको आइडियाज मिल जाएंगे और साथ ही साथ सोर्स कोड भी मिल जाएगा कि कैसे आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो पाइथन पे। फिर आता है 7 जावा प्रोजेक्ट आइडियाज कि अगर आपको पाइथन नहीं आती जावा आती है तो आप जावा में कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हो, काफी इजी है। तो एक रिक्वेस्ट यार इन सारी रिसोर्सेज को यूज कीजिए और प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी लास्ट में तो बस मैं यही बोलूंगा ऑल द बेस्ट एवरीवन, लाइक अगर मेरी साइड से और भी कोई हेल्प की नीड हो आप सभी को तो मुझे जरूर बताइएगा। ये थोड़ा इमोजी गंदा सा बन गया है स्वीट, मैं आपको हैप्पीली खुश देखना चाहता हूं। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, सभी का 22 अगस्त को पेपर है, उससे पहले आप सभी को चैनल पर अब डेली बेसिस पर वीडियोस मिलने वाली है। और अगर आपको और भी कोई रिसोर्सेस चाहिए हो, क्योंकि यार कल से मैं देख रहा हूँ मेरे पास काफी ज्यादा डीएम्स आ रहे हैं कि सर रिसोर्सेस चाहिए रिसोर्सेस चाहिए, अब आपको सारी की सारी बेस्ट फ्री रिसोर्सेज मैंने प्रोवाइड कर दिए, तो इनको अच्छे से कर लीजिए। और कोई डाउट हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, साथ ही साथ यार अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में अपने नेटवर्क अपडेट के साथ, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।